किसी ने हमें या तो तेल दिया है, किसी ने शक्कर दी है, किसी ने आलू प्याज दिया है, किसी ने हमें नमक दिया है, किसी ने मसाले दिए हैं। तो कई जगह से कई ग्रुप्स के माध्यम से ये हमें सामग्री लगातार मिल रही है और उसी सामग्री से फिर यहाँ पर एक सेंट्रलाइज व्यवस्था है जहाँ से फिर हम पूरे पैकेट्स बनाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट। नगर निगम को अभी तक कोई सामग्री खरीदना पड़ी है? अभी जो शुरुआती जो पहला दिन था उस दिन हमें ज़रूर 10,000 किलो आलू प्याज खरीदना पड़ा था, उसके पश्चात हमें अभी तक कोई सामग्री नहीं खरीदनी पड़ी। कितनी सामग्री अभी तक आ चुकी है डोनेशन के मतलब? अभी हम देखें तो लगभग हमारे पास 40,000 किलो आलू प्याज आ चुका है, लगभग 25,000 किलो दाल हमारे पास है, 25,000 किलो हमारे पास मैंने बताया कि प्याज आ ही चुका है, 10,000 किलो शक्कर है, 10,000 लीटर तेल हमारे पास आ चुका है और लगभग 5,000 किलो हमारे पास मसाले आए हैं और इसका लगभग हम है ना 60% पैकेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अभी लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं दान देने। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे यहाँ एक जगह से 10,000 किलो आलू प्याज अभी आ ही रहे हैं, तो लगातार हमारे पास है ना मटेरियल आ रहा है और मुझे लगता है कि और भी आता रहेगा और हम ऐसे पैकेट बना के। क्या कहना चाहेंगे उन गरीब परिवारों के लिए जो लोग कह रहे हैं कि भूख से सामग्री नहीं मिल पा रही है? माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिसको भी लगता है, चाहे हमारे कॉल सेंटर के थ्रू या आपके थ्रू या किसी भी प्रकार से हमारे को बताएं कि उसको भोजन की आवश्यकता है या राशन की आवश्यकता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। और अच्छी बात यह कि हमारे बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो हमें लगातार दे रहे हैं, उनके माध्यम से हम इन सभी सामग्रियों को आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिला प्रशासन इंदौर निगम पूरी तरीके से मुस्तैद है और जितनी भी राशन या भोजन की सामग्री की आवश्यकता होगी हम मुहैया कराएंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.